हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करूंगा। देखिए जब भी अपन नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो देखिए आपको पता है सपना बड़ा बड़ा होता है ये डॉक्टर बनने का। और डॉक्टर बनने का सपना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखते हो MBBS कॉलेजेस में जो अपन कहते हैं टोटल सीट्स हैं वो बहुत कम हैं, और उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो बहुत कम है, फिर स्टेट वाइज डिविजन और है। तो इन जनरल जैसे राजस्थान टाइप स्टेट हो गया तो स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा मौके बचते नहीं। आपको पता है कि लगभग 12,000 या 15,000 एटमोस्ट आप मानते हो इन रैंक्स तक शायद आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हो। 18,000, 20,000, 22,000 एट मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद राजस्थान के अंदर भी पेमेंट सीट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं जो 7-8-9 लाख तक के आपको पड़ती हैं वो सीट्स आपको मिल सकती हैं। बट उसके बाद क्या? उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, फिर या तो आपकी इकोनॉमिक स्थिति इस तरह की हो कि यू आर एबल टू स्पेंड अ करोड़ रुपीज टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई स्टिल से, अगर आपके पास 1 करोड़ की व्यवस्था है तो डॉक्टर बनना 1 करोड़ में शायद बुरा नहीं है, यू कैन गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है क्योंकि 1 करोड़ का तो लोन भी ईजिली नहीं मिलता जब तक आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा मॉर्गेज करने को फैमिली के पास नहीं हो। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ऑलमोस्ट MBBS सिलेक्शन का मतलब उनके लिए वही होता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाए। तो मान के चलिए 15,000-20,000 रैंक के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती कि शायद आपको MBBS मिले। और इस प्रिपरेशन की सबसे बड़ी जो मुझे सबसे बड़ी चिंता की बात लगती है, देखिए जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, बच्चा IIT में सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, NIT का ऑप्शन है, IIITs का ऑप्शन है, नहीं तो कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस, निर्मा हो गया, LNM हो गया, ऐसे कॉलेजेस के आपके पास ऑप्शन रहते हैं। नहीं हुआ तो फिर स्टेट में भी कुछ ठीक ठाक गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, कहीं तो आप सेट हो ही सकते हो। तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग लेवल्स पे कॉलेज रहते हैं, आराम से आपका काम होता है। लेवल ऑफ कॉलेजेस यहाँ भी अलग अलग है बट सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जिपमर के नाम पे आपके पास कुल 200 सीट्स बचती हैं, एम्स के नाम पे आपके पास 1200-1500 सीट्स बचती हैं, उसमें भी जनरल कैटेगरी की देखेंगे तो और कम बचती हैं। तो यहाँ आपके पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। और इसके बाद MBBS के बाद जो सेकेंड ऑप्शन आपका आता है वो कोई लेना नहीं चाहता। टेक्निकली कोई भी BDS या BAMS या BHMS में जाना नहीं चाहता है क्योंकि MBBS है, लाइन कट हुई, लेट से 620 मार्क्स का बात करें ऑल इंडिया कोटा में, उसके नीचे 1-2 मार्क्स भी हैं तो आपको पता है उस कोटा से कुछ MBBS में आपका भला होने वाला नहीं है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत है, उस लाइन से थोड़ा सा भी आप पीछे रह जाते हो तो फिर शायद ऑप्शन वो रहते नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं उसमें और उसके पहले वाले ऑप्शन में रात और दिन का अंतर होता है। तो देखिए जब भी आप बात करते हैं किसी से भी, बहुत आसान है मेरे लिए आपके लिए प्रेरित करना आपको कि बिल्कुल आप ड्रॉप कीजिए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, कहना बड़ा आसान है। देखिए नॉर्मली आप जब आपके नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह पे बात करते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ मजबूरियों के चलते वो शायद आपको ड्रॉप के लिए ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए वॉरेन बफे का एक बड़ा प्यारा सा कोट है, डोंट आस्क द बार्बर इफ़ यू नीड अ हेयर कट। भाई ना ही पूछोगे क्या मेरे बाल कटाने की ज़रूरत है क्या, तो वो तो हमेशा ही ऐसी कहेगा। आप बाल कटाने की बोलोगे उसका बिजनेस बनता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे टीचर्स इसी तरह के होते हैं, देर आर जेन्युइन टीचर्स जो आपको देख के सही राय भी देते हैं। बट फिर भी देखिए भावनाओं में बह के एकदम से ड्रॉप सीधा डिसाइड करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको डेटा बताऊं जो हमारे भी स्टूडेंट्स ने ड्रॉप किया इसी ईयर, मैं आपको बता रहा हूं 600+ के स्कोर्स उन्हीं स्टूडेंट के ड्रॉप करने पे आए हैं जिनके स्कोर्स पिछले साल 500+ ऑलरेडी थे। 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर 430, 440, 460 रेंज में थे और उन्होंने 600+ लिया, तो उनके साथ कुछ रीजंस थे। वो जनरली वो स्टूडेंट्स थे जो 12th के साथ प्रॉपरली दे नहीं पाए थे अटेम्प्ट, 11th का बहुत कुछ छूट गया था या कुछ हेल्थ इश्यू हो गए थे या कुछ प्रेशर हैंडलिंग के इश्यूज थे, वो जेन्युइन इश्यूज थे। बाकी उनको पता था कि उनमें वो टैलेंट है और डे वन से देवर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम करेंगे एंड दे हैव डन इट। बट उसके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनके स्कोर लास्ट ईयर 350, 400, 450, इवन 500 भी थे और इस साल वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो फ्रेंकली देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इस साल ही 12 दिया है। देखिए इस साल आपने 12 दिया है तो 2 तरह की कैटेगरी हो जाती है। एक तो आपने नीट की कोचिंग ली ही नहीं थी, या ली थी तो बस नाम के लिए ली थी, आपने नीट के लिए पढ़ा ही नहीं था, आपने अपना सारा फोकस स्कूल एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए रखा था। तो इन दैट केस अगर आपका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपके टीचर्स आपके फ्रेंड्स सब कहते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा चमकता है, एप्टीट्यूड ठीक है, फिर भले ही आपका स्कोर 300-350 भी इस ईयर हो, आई विल से टेक अ चांस। आप बिल्कुल मन से तैयारी कीजिए, बिल्कुल ढंग से तैयारी कीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका सपना पूरा सच हो जाए। तो आपके लिए इतना मार्क्स का बैरियर नहीं है क्योंकि आपने उस नीट लेवल पर तैयारी ही नहीं की है,
आप फ्रेशली स्टार्ट करोगे, पूरे मन से करोगे, आपका शायद एंथुजियाज्म भी बेटर बनेगा। दूसरी कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जिनको 10th के बाद ही पता था कि हमें नीट करना है, उन्होंने स्कूल को साइडलाइन कर दिया, प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बिल्कुल नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो भी आपके सिटी के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ आपने एडमिशन लिया। साथ ही साथ कई जने ऑलमोस्ट स्कूल छोड़ देते हैं, ऑलमोस्ट डमी स्कूल्स में आ जाते हैं, और 2 साल आपने तैयारी की और उस तैयारी को रिग्रेसली करने के बाद भी आपका स्कोर यदि 300, 350 या 400 है तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अब या तो आप पहले जस्टिफाई कीजिए कि वो स्कोर कम क्यों रहा, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी या कोई उस डे पे ही कोई दिक्कत हो गई थी, बाकी आप स्कोर्स में बहुत अच्छे कर रहे थे, आपको रीज़न लाना पड़ेगा। अगर आपने तैयारी की थी, ठीक लेवल पे की थी और उसके बाद वहाँ भी स्कोर यही आते थे, 2 साल तक स्कोर हमेशा 400 450 से आगे नहीं आता था और इन द एंड यही स्कोर आया है और आपको भी लगता है कि शायद आपके लिए थोड़ा ज़्यादा है, आपके लिए 600 प्लस स्कोर एक्सपेक्ट करना ज़्यादा है, तो आप सोच लीजिए एक बार। केवल ड्रॉप कर लेने से अगले साल नंबर बढ़ जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, 400 बढ़ के 500 भी हुए तो क्या कर लोगे, 500 की जगह 550 भी आ गए तो क्या कर लोगे, MBBS तो तब भी नहीं मिलेगा। ये पेपर थोड़ा टफ भी आ जाएगा तो भी अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता जिस तरह का स्टफ है, 550 या 560 ऑर्डर की कट ऑफ वापस से आने वाली है क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। तो ये पॉइंट आप दिमाग में हमेशा रखिए क्योंकि अगर आपने 2 साल ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, आपका खुद पर डिसिप्लिन तब भी नहीं था, तो अब अगले 7-8 महीने आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे इसकी गारंटी कैसे देंगे आप? पहले आपको ये चीज़ खुद से सवाल करना पड़ेगा, फिर दूसरों को ये समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं आपको, जैसी इस बार सिचुएशन है, 450 से नीचे आपका स्कोर तैयारी करने के बाद था, इवन आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया था और तैयारी अच्छे से की थी तब भी स्कोर 450 से कम है और आप जनरल या OBC कैटेगरी में हैं, तो मेरे लिए आपका पहला चेक पॉइंट यही है कि आपको कोई बहुत सॉलिड रीजनिंग देनी पड़ेगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन टू टेक अ ड्रॉप। इवन मैं मेरे कुछ फ्रेंड से बात कर रहा था तो वो इनका तो ये 450 क्या, कई लोग तो 500 का टारगेट भी दे रहे हैं कि 500 से नीचे भी और तैयारी आपने अच्छे से की थी तो सोच लीजिएगा कि आपको तैयारी वापस करनी है या नहीं करनी है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए मतलब आप एक प्रैक्टिकल डेटा देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ भाई, आपका 20,000 रैंक आता है लगभग 600 नंबर के करीब, तो स्टेट कोटाज वगैरह में भी मोस्टली स्टेट्स में यहीं तक सीट्स मिलती हैं, तो मान लीजिए 600 प्लस वाले स्टूडेंट्स आ रहे इस बार सेलेक्ट भी हो गए तो 600 पे लगभग 20,000 रैंक है, 520 नंबर आते आते वो 70,000 रैंक हो जाती है। अब ये जो 520 से 600 की रेंज है, यहाँ 50,000 स्टूडेंट्स फंसे हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट्स के होंगे जिनमें शायद इनको सीट्स मिल जाएंगी, कुछ लोग BDS भी लेंगे, कुछ लोग और कैटेगरीज के भी थे वो भी निकल जाएंगे, बट फिर भी मेरा अंदाज़ा है कि भाई इस 50,000 में वो जो 20,000 रैंक 600 नंबर पे आई है, 70,000 रैंक जो 520 नंबर पे आई है, 10 से 15,000 बच्चे तो ड्रॉप करेंगे, और अगर ये 10 से 15,000 बच्चे अपनी एक्सपेक्टेशन से अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो मान के चलिए 600 प्लस वाले स्टूडेंट्स 10,000 यही हो गए। और फिर हमेशा मान के चलिएगा टॉप स्कोरर्स वही होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, क्योंकि जो फ्रेश माइंड है जिसका एप्टीट्यूड बहुत शार्प है, 700 प्लस स्कोरर्स का डेटा मेरे पास है नहीं, बट आई एक्सपेक्ट जितने भी 700 प्लस स्कोरर्स हैं, कोई 2-3 आप छोड़ दीजिए जिन्होंने खुद की डिस्कवरी ही नहीं की होगी, 12th तक तैयारी नहीं की होगी, वो ज़रूर आ सकते हैं, बट मोस्टली वो स्कोरर्स 12th के साथ ही होंगे। तो जनरली हाई स्कोरर्स 12th क्लास के साथ ही होते हैं, तो 12th के साथ वाले स्टूडेंट्स भी तो रहेंगे। हम मान लिया कोविड के चलते उनकी स्टडीज़ आपसे ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, थोड़ा उनका डिप आ सकता है, बट कितना डिप आ जाएगा यार, अगर आपके 410 मार्क्स हैं तैयारी करने के बाद भी और आप सोच रहे हो मैं 600 प्लस स्कोर अटेन कर लूँगा तो कैसे करोगे, क्या एक्शन प्लान है वो पहले सोच लीजिए। कहना बड़ा आसान है बट नेक्स्ट ईयर जब आप वापस से देखते हैं बहुत दर्द होता है, या चलिए 410 से आप 500 तक इम्प्रूव करोगे तब शायद दर्द ज़्यादा नहीं होगा, दर्द तब होगा जब आप 590 पे अटकोगे और पता चला कि MBBS की जो भी कट ऑफ आपके स्टेट वगैरह की लास्ट तक आ रही थी वो लेट से 594-595 तक आ रही है, अब आप क्या करोगे? देखिए नीट के लिए सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने लिए हैं और करते हैं। देखिए ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट थी जो शायद 2 मार्क्स से मिस कर गई थी MBBS राजस्थान स्टेट में, बट शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे करना है और इस साल उसका स्कोर 670 प्लस है एंड शी वुड बी गेटिंग हर ड्रीम कॉलेज। इवन मैंने तो एक स्टूडेंट ऐसी भी हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया है जिसने MNIT में BTech ज्वाइन कर रखा था और शायद सेकंड और थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद उसका दिमाग चमका कि नहीं दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे MBBS ही करना है, और उसने उसके बाद MBBS की तैयारी की, उसके बाद एक बार तैयारी की नहीं हुआ फिर ड्रॉप लेके तैयारी की और अब वो एम्स में पढ़ रही है, नॉट इन एम्स दिल्ली बट दूसरे एम्स में पढ़ रही है, बट शी हैज बीन एबल टू गेट हर ड्रीम। तो लोग करते हैं बट उनमें वो आग होती है उनके अंदर, आप कहते हैं ना वो फायर होता है, वो अंदर से भूख होती है, वो देख के उनके फ्रेंड्स को उनके टीचर्स को समझ आता है कोई बात नहीं सेकंड ड्रॉप भी था थर्ड ड्रॉप भी था आप थोड़े से मार्जिन से रुके हो और उनको पता है कि आप अभी भी अपना हार्डवर्क कर सकते हो।
इवन ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कह पाना हमारे लिए भी मुश्किल था कि आप ड्रॉप करोगे, बट वो देवर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। बट फ्रैंकली वो स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनको देख के ही पता होता है, उनको नहीं उनके साथ वालों को भी वो फीलिंग होती है कि ये कर सकेंगे। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एप्टीट्यूड होना चाहिए कि शायद उस दिन आपसे थोड़ी सी चूक रह गई थी, बाकी आप में उतना टैलेंट था। बट अगर आपसे वो चूक बार बार हो रही थी और आप ज़बरदस्ती खुद को ओवर एस्टिमेट करो, वो बहुत गड़बड़ है। तो देखिए, ड्रॉप करने से पहले मैं फिर आपसे कहूँगा, अच्छे से एनालाइज कीजिए, पहले ये जवाब दीजिए गलती कहाँ रह गई, कमियाँ कहाँ रह गई, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर माइंड में एक एक्शन प्लान दीजिए कि आप उनको ओवरकम कितना कर पाओगे। वापस से पेपर को देखिए और देखिए, इस पेपर में ही मैं थोड़ा और बेटर अटेम्प्ट करता तो बेस्ट केस क्या होता, और उसको बहुत प्रैक्टिकली देखिएगा। वरना लोग बड़े आसान कहते हैं इजी पेपर था सर, हमसे तो बस ये गलती हो गई। अरे भाई, दो चार गलती होती तो नंबर 500 नहीं आ जाते, 400 नहीं आ जाते। दो चार गलती वाला 650 का 620 पे आता है, 630 पे आता है, वो 400 450 पे नहीं आ जाता है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग दिस डिसीजन, क्योंकि देखिए फिर नेक्स्ट ईयर आप डिसअपॉइंट हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप ड्रॉप कर रहे हैं, देखिए ड्रॉप करने के बाद भी सेलेक्ट होंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, बट फिर भी अपना प्रयास एक रियलिस्टिक तो हो यार, कि अपन उस मैदान में उतरे तो लगे तो सही कि अपने पे कोई बेट करेगा कि अपन कर सकते हैं, या सब अपने पे यही बेट कर रहे हैं कि ये तो इसलिए उतरा है कि ये नंबर बढ़ाने वाला है, वो जो 15-15.5 लाख एस्पिरेंट्स है वो इन्हीं के कारण हो रहे हैं, अपने को उस कैटेगरी में नहीं जाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो था इस सीरीज़ में, आज केवल आपसे मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए कि ड्रॉप करना है या नहीं करना। नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन बात करेंगे आने वाले दिनों में कि ड्रॉप अप कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या आपके स्टेप्स, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन पे अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट प्लीज़ देखिए, आज का वीडियो हो सकता है कहीं को डीमोटिवेटिंग लगे, बट जो भी है यार, डीमोटिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर मेरे वीडियो से ही आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो साल भर खुद को मोटिवेट कैसे करेंगे, ये भी सोच लीजिएगा। कि दुनिया तो आप पे क्वेश्चन करेगी, दुनिया बार बार आपसे पूछेगी। आप सोचो, महेंद्र सिंह धोनी इतना साल अच्छा खेलने के बाद भी 3-4 मैच फ्लॉप होता है और दुनिया उसके लिए क्या क्या कह देती है, तो आपको भी दुनिया कहेगी। और उसकी बातों से ही आप घबरा रहे हैं तो फिर तो ड्रॉप बिल्कुल ही मत कीजिए। तो बी वेरी ऑनेस्ट, अपने आप को बिल्कुल अच्छे से अंदर से टटोलिए, झकझोरिए खुद को, एक डीप एनालिसिस करिए, उसके बाद किसी टीचर या अपने फ्रेंड से बात कीजिए कि वेदर आई शुड ड्रॉप और नॉट। पहले आप अपने अंदर से 101% श्योर हो जाइए, यस आई कैन एंड आई विल, मेरे में क्षमता है, मेरे में एबिलिटी है, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं उतना मेहनत, उतना स्ट्रगल, उतने पेन को गो थ्रू करने के लिए रेडी हूँ। जब आपको खुद से ये फीलिंग आए, उसके बाद आप दूसरे से क्वेश्चन कीजिए कि मुझे ड्रॉप करना है या नहीं, कि दूसरा कभी इस जवाब का आंसर नहीं देगा, ये आंसर आपके अंदर से ही आना चाहिए। गुड लक।